बहुत जगह है। अरे नई जगह है, इसको बोलते हैं टीम इंडिया, नेपाल, इंडिया, नेपाल। लेक लेक ओ टोंगलू टोंगलू टोंगलू, वी आर एट टोंगलू। हेलो एवरीवन, नवीन दिस साइड, स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस नए व्लॉग पर एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह के बज रहे हैं 6, ठीक है सर। अभी मेरे को फटाफट बाइक निकाल के सिलीगुड़ी पहुँचना है, चंपासरी। उधर हम रखेंगे अपनी बाइक को और फिर वहाँ से निकलते हैं गाड़ी लेके। और कितने आदमी जा रहे हैं भाई तभी, वो अभी मेरे को भी सही से नहीं पता है क्योंकि अचानक से मतलब मुझे कहा गया था कि चलो भाई संदक पूछते। सो आई एम रेडी एंड लेट्स गो। तो देखते हैं कितना मज़ा आता है, पहली बार जा रहा हूँ वैसे। सो लेट्स हैव फन एंड वीडियो को देखते रहना, मज़ा आए तो पता है लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मैं पहुंच चुका हूँ सिलीगुड़ी, गाड़ी हमारा रेडी हो चुका है एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं सदकपुर की तरफ में। अभी और भी कुछ लोग बाकी है आना, तो रास्ते में पिकअप कर लेंगे एंड देन चलते हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मिरिक के व्यू पॉइंट के पास में एंड यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके। सो कौन कौन है मेरे साथ में आप देख सकते हो, वी गॉट आदित्य दा, आतिश भैया, रैना एंड वो रहे हमारे विशाल भैया। सो अरे मेरा ही कॉफ़ी बाकी है। तो यहाँ ना अभी पूरा कोहरा ही कोहरा हो रखा था, फाइनली अभी थोड़ा धूप निकला हुआ है एंड देखो यार सही लग रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिरिक लेक पे। तो पीछे दिखा तो आप लोगों को व्यू, सो देख सकते हो यार क्या सही लग रहा है। मतलब अभी वैसे हम लोग को जाना तो बहुत दूर ही है, तो यहाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। आहा क्या नज़ारा है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चल रही है। आ रहा हूँ। हमारे आदित्य इधर मछलियों को ब्रेड खिला रहे हैं, चारा। वो देखो। ओहो जरूर करने का मछलियों को चारा खिलाया जा रहा है यहाँ पर। काफी बड़े बड़े मछली है यहाँ। हम लोग पहुँचे हैं कौन सा जगह, सुखिया पोखरी। हाँ सुखिया पोखरी बाज़ार में, यहाँ हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। तो बहुत जोर का भूख लगा है, सवेरे से कुछ खाया नहीं है, एप्पल खाया था बस, उससे क्या होगा। तो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट ही कर लिया। ओके तो यहाँ पर सुखिया पोखरी में है, तो एक बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही खूबसूरत सा ये कैफ़े है, ब्रदर्स रेस्टोरेंट। डेफिनेटली अगर आप इस तरफ कभी आते हो तो यू कैन विजिट इट। आखिरी चेक पोस्ट मतलब पहले चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं जहां से हम लोग संदकफू के लिए जाएंगे। एकदम वो वाला रास्ता मिलने वाला है हमें, सीधा सीधा वाला, ऊंचा ही ऊंचा। अभी हम लोग ऊपर। तो भाई साहब ये जो रास्ता दिख रहा है ना, मतलब जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, मतलब क्या बताओ यार, ऐसा टर्निंग है, शार्प टर्निंग और एकदम सीधा है रास्ता, लिटरली। मैं
हालत ही खराब हो जाएगा, नवीन का सेंटर भी मिल जाएगा। अभी है हम लोग चित्रे व्यू पॉइंट पर। ओके, तो जो चेक पोस्ट था मतलब मनी भंजन से, वहाँ से जो रास्ता था, मतलब लिटरली दिमाग खराब जैसा मतलब फील हो रहा था क्या मेरे को। इट वॉज लाइक नॉर्मली यूजुअली हिल्स पे रोड ऐसे होते हैं ना, इट्स ऐसे ठीक है, और उस पर हम लोग लेकर के आए उसे टाटा नेक्सॉन, मतलब इट्स नॉट अ 4x4। और यहाँ पर जो चलता है दैट्स दिस द लैंड रोवर फ्रॉम इंग्लैंड, जो कि एक हेरिटेज है अपना इंडिया का। दिस इज 4x4 ठीक है, पीछे देर इज अ फोर्ड का एंडेवर ठीक है, वो भी 4x4 है। बट लिटरली नेक्सॉन इस खतरनाक गाड़ी है, और हमारे भैया की ड्राइविंग, सो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओके, और अभी यहाँ पर वेदर जो है ना काफ़ी कोहरा कोहरा हो रखा है, तो मतलब कहा जाता है कि इस तरफ जो है ना, इस तरफ में नेपाल पूरा क्लियर नज़र आता है, बट अभी हमको दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोहरा। गाइस ये देखो रास्ता, स्वर्ग की सीढ़ियां है, स्वर्ग की सीढ़ियां। ऊपर का छत खोल दो तो। मतलब अभी दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा, यहाँ सामने भी एक टर्निंग है, तो मतलब देख के ना हालत, जस्ट लुक एट दिस ठीक है, कैमरा फील हो रहा होगा, पाया ही होगा। स्वर्ग बहुत ही ज्यादा खौफनाक रास्ता है ये। पीछे देखो एलिवेशन, हट रहा है इधर पे खड़ा होके, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ओ माय गॉड दिस इज द व्यू पॉइंट। मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रखा है। ओ लेक 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 लेक, ओ टोंगलू, वी आर एट टोंगलू पहुंच गए। सॉल्यूट 41 संदफू 20 ओनली। ओ भाई क्या नजारा है ये। गाइस, तो अभी हम लोग हैं यहाँ पर सिंगल लीला नेशनल पार्क के पास में ठीक है, तो यहाँ अभी हमको पास निकालना है और फिर निकलना है। यहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा, शायद पीछे में एक आदमी को ना मतलब वो झैप था, हमने उसको भाव ही नहीं दिया, शायद वही था दादा साहब। यहाँ कोई हुनु दरअसल नेशनल पार्क की अब हामी त गरी बस्छौं जान्छु भनेको, यसको बाटो चाहिँ एकदमै बानी छ, बिग्रेको छ। हेप्पी तिहार यो गाडी बुझेँ मैले, साह्रो पर्छ, साह्रो पर्दैछ अहिले, हल्का तपाईँलाई साह्रो परिरहेको छ है। तपाईँहरू पास दिँदैन, यो गाडीको पास दिँदैन, गाडीको लाग्दैन नि त, मलाई पनि थाहा छ नि। जो यहाँ के गार्ड है उनका कहना है कि ये गाड़ी लेकर के हम लोग गैरीबास तक बस जा सकते हैं, उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। सो अब देखते हैं क्या करना है, कि गैरीबास तक चलेंगे, फिर वहाँ से लैंड रोवर अगर मिलता है तो वही लेकर के हम आगे संदकपुर तक चलने वाले। सो वही करना पड़ेगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है, पहले गैरीबास तक पहुँचते हैं। अभी हम लोग बुरी तरह से फंस गए ये रास्ते के बीच में, और नीचे गैरीबास, और आप लोग ने ये रास्ता तो देख लिया ऑलरेडी, 4x4x4 गाड़ी, मतलब साथ चढ़ गया यार अभी तो मेरा। ओके, तो रास्ते में ना अभी थोड़ा सा इशू हो गया, हम लोग ना इधर में फंस चुके हैं ठीक है, तो गाड़ी अपना आगे जाएगा नहीं क्योंकि रास्ता देखो भाई ठीक है, इस टाइप का रास्ता है, तो यहाँ पर तो मुझे तो नहीं लगता, एक्चुअली ये रोड 4x4 का ही है ठीक है, और अपना ये है
4x2 ठीक है। तो फिर मतलब ये गाड़ी लेके हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो अभी बात ये हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं वापस, ठीक है। गाड़ी को कहीं पर रखेंगे, कोई होम स्टे वगैरह मिलता तो वहीं पर स्टे करेंगे। एंड सवाल ये है कि क्या हम संदकफू पहुंचेंगे। वीडियो में बने रहें। हेवी ड्राइवर गिरी चल रही है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग फंस चुके हैं। बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है। इसको बोलते हैं टीम वर्क। बहुत जगह है, बहुत जगह है। ओके गाइस, सो अभी हम लोग सामने से वापस आ चुके हैं, करीब करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास में। तो यहाँ पर उस पार नेपाल है, एंड यहाँ हमें भूख लगी थी, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए आ गया। एंड अभी देखते हैं जहाँ हमें जगह मिलती है आज हम लोग वहीं पर स्टे करेंगे। एंड संदकफू कल ही हो पाएगा, आज तो नहीं होने वाला। तो चलो, तो अभी हम लोग वाई वाई खा रहे हैं, ठीक है, नेपाल के एक रेस्टोरेंट पे, उस पार में जहाँ लैंड रोवर खड़ा है, दैट्स इंडिया, हमें नेपाल। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये है इंडिया, नेपाल, इंडिया, नेपाल, इंडिया, नेपाल।